बाहर आ चुके हैं। छोटा खोता इधर खड़ा हुआ है, इसने कान देखो कैसे किए हुए हैं, कान फडारे हुए हैं। ओ मारता है, द्वार लग गया पीछे, कंडे ने भी चूजड़ना चैनी बैठी है बूहे। अभी मंगवाए थोड़े से फालसे जो रुखसाना के लिए बनाएंगे, फालसे का जूस। बेबो ने फालसे उठा के खा लिए, बुशरा ने फालसे उठा के खा लिए, कैसे लगे खट्टे खट्टे। माशाल्लाह लस्सी तैयार हो गई है, प्याज तैयार हो चुके हैं और सबको जो है रोटी देना स्टार्ट कर दिया है रुखसाना ने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको दे दिया माशाल्लाह, वो अच्छी लगती है ना, चार नमक डलाया है इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू है हमारे चैनल को कल सब्सक्राइब, लाइक किया चलते इसी दौरान भी लोग की तरफ। तो अलहमदिल्ला नई सुबह का आगाज़ हो चुका है, हम भी नए लोग के साथ हाजिर हो चुके हैं। तो सुबह का टाइम है तो अलहमदिल्ला अभी जो है शहर में झाड़ू वगैरह दिया जा रहा है, चार पाँच जो सारी डाल दिए हैं। ये देखें धूप भी माशाल्लाह अच्छी खासी आ चुकी है, आज भी मौसम बिल्कुल साफ है, कोई बादल नज़र नहीं आता। रुखसाना ने झाड़ू देना स्टार्ट कर दिया है, ये वाला शायद जो है झाड़ू देनी है, बाकी सहन को झाड़ू दे दिया है, ऐसे ना जी। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा रह चुका है, ये भी देना है। सही है, और नाश्ता वगैरह अभी बनाना है? अभी बनाना है कुछ नहीं, सालन रखा है बस थोड़ा सा, एक मुंगरी दही मंगवानी पड़ेगी। हाँ। मुझे ऐसे लगता है। हाँ है ना। हाँ जी। वो वाली सही झाड़ू नहीं दिया? दे दिया। नहीं वो वाली दे दिया है, पानी है ना ऊपर तो लगाया है, पानी कैसे मिला। अच्छा। हाँ। हाँ जी। ना उतारो, पहनाओ इसको चूड़ियाँ, पहनाओ इसको चूड़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भैया, जहाँ भी रहो खुश रहो, बाद रहो हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घरों के चले सब ठीक है, आप सब बहन भाई की दुआएं। जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल का सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कॉमेंट करें, वीडियो कॉल बात करें। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम हो चुका है तो हम भी हाजिर हो चुके हैं, तभी इंशाल्लाह चलते हैं लोग की तरफ, आप सब हमारे साथ रहने, वीडियो कॉल बात करें, वीडियो सब क्लिक करें। तो अभी आ गए हैं रूम में, तो लगाते हैं झाड़ू, झाड़ू लगा के फिर जाना चार पाई अंदर डालनी है, वो भी डालते हैं इंशाल्लाह। बाहर का माहौल जो है ना आपको वो भी इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे। ये देखिए ये हमारा झाड़ू रखा है, ये उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों रूम में जो है ना झाड़ू लगा दिया है, अभी जो है ना इंशाल्लाह बच्चे लोग उठते हैं फिर जो है ना चार पाई अंदर डालते हैं, तो कपड़े वगैरह भी डालते हैं। बाहर जो है ना माशाल्लाह धूप काफ़ी सारी आ गई है, आज हवा भी नहीं है, गर्मी आज ज़्यादा है कल से भी। अल्हम्दुलिल्लाह चार पाए जो है ना ये देखे ये सब अंदर डाल दिए हैं, फैन जो है ना खाली हो गया, अभी जब उठते हैं झाड़ू लगाते हैं, बच्चे लोग भी सब माशाल्लाह उठ गए हैं, फिर बनाते हैं इनके लिए खाना। आज क्या बनाएं? भिंडियाँ। हाँ भिंडियाँ, भिंडियाँ बनाएं, चावल, चावल। ओ अल्लाह खैर, चावल खाते हो? हाँ। इतनी गर्मी में गर्मी। अच्छा चलो आपका अब्बू आ जाता है, फिर उसको कहो जो चीज़ आपको दिल करे वो ले आएगा, ठीक है? अरे अरे माशाल्लाह से पूरे के पूरे सहन में झाड़ू दे दिया है, सफाई हो चुकी है। अभी तंदूर से केरी निकाली जा रही है, केरी जो है बाहर फूटी होती है, डेली इसकी केरी निकालनी होती है। मैया हाँ। सुनाओ गर्मी है? हाँ जी। कितना गर्मी है? बहुत बहुत गर्मी है ना। हाँ। पसीना भी आया हुआ है आपको? हाँ जी। इधर हट जाओ, केरी आ रही है मुंह में, धूड़ उड़ती है इसकी। और प्लेट को जो मैं सीधा कर देता हूँ धूप पे, ताकि बैटरी चार्ज होती रहे और मोटर भी चलती रहे। बाहर आ चुके हैं, छोटा खोता इधर खड़ा हुआ है, इसने कान देखो कैसे किए हुए हैं, कान फडारे हुए हैं। ओ मारता है, ओ। खोता है। नहीं नहीं हराम खोता है, आराम से, डरता नहीं है, लत्ते लगाता है।
फिर न कहना हमको जो टांगे लगा दिया है। कंडे ने बिच्चू जड़ना चैनी बैठी है बू है ये कांटे लग ना जाए जो तुम अंदर वड़ जाती हो कांटे के तो फिर ये उठाने हैं ना हाँ ये उठाने हैं इधर जगह बनी हुई है जगह बनी हुई है था पे उठाने के लिए हाँ तो मैं इसलिए आके बैठ गई हूँ अच्छा क्योंकि ये जो है ना छोटा छोटा कचरा है तो इसलिए बैठ के तगारी में डाल रही हूँ तंदूर में अच्छा खासा जल जाएगा चलो जल्दी कर लो हाँ गर्मी भी आज बहुत बढ़ रही है आज गर्मी कल से ज्यादा है कल तो हवा चलती रहेगी कुछ आज बहुत ज्यादा आज बहुत ज्यादा गर्मी है थापियां लेके आ चुके हैं अभी तंदूर जलाएंगी तंदूर जलाना है चलो माशाल्लाह तंदूर जलाओ ठंडे टाइम रोटी बना लो इंशाल्लाह अभी थापियां डालते हैं फिर इसको आग लगा देते हैं हाँ जी फिर बन जाएगी तंदूर की वो माच साथ रखे उठा दो ये लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोरी खोल दी फुल चलें जी माशाल्लाह तंदूर भी बल चुका है अब देखें झड़के निकालेगा माशाल्लाह से माशाल्लाह हवा चलना शुरू हो चुकी है आप देख सकते हैं साए हल रहे हैं वाह जी वाह कितना प्यारी हवा चल रही है बहुत ठंडी ये क्या बना के दे रही हो बच्चों को दूसरा कहते हैं मुझे गाड़ी बना दो गाड़ियां हां जी अच्छा पहले घर बनाएंगे ये इसकी गाड़ी बांध रही है और क्या करें यार जाऊं मैं दही ले आऊं ले आओ अभी तंदूर जाग रहा है ले आओ दही हां दही ले आता हूं खाना तो खाना है ना सारा नहीं है हाँ ये तो है चले इधर इधर रख के देख सुकून से देख के हाँ चले फिर निकाल दिया इसको क्या अब तक कैसे चलाई जाती है आप उठा के आइए आप से नहीं चलती ये झाड़ू नहीं ये चीर आ जाएगी हाथ पे झाड़ू के साथ बना रही है ये काना है काना इसके साथ ये कचरे बनते हैं इसके साथ काने के साथ इधर ही सारी कचरा कर देंगे ये देखें ये सार है इसके साथ हाथ काट लेगी जैसे छुरी काट दिया हवा नहीं आती इसको कैसी हवा आया कटली बना दो क्या बनाने कटली बना दो कटली क्या चीज की हाँ जी अभी जाते हैं दही लेके आते हैं जब तक ये तंदूर जलता है रोटी बनाएगी रुखसाना हम दही लेके आ जाएंगे फिर करेंगे नाश्ता दही लेने गया दुकान बंद थी अच्छा थक के आ चुका हूँ पैदल चला गया मैंने कहा वॉक भी हो जाएगी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी पसीने पसीने हो गया धूप थी ना इसलिए धूप ज़्यादा थी और तिक्खी धूप लगती थी तबीयत तो बन गई है तबीयत बन गई है आपने जला लिया है अभी जा रहा है मैंने कहा एग्जाम जाके रोटी लेके रखता तो हो गया है हाँ रखता हो गया है
अभी इनको पैसे दो तो ये चीज ही लेने जाते हैं, भूख लगी हुई है। आटा उठा लिया है माशाल्लाह, रत्ता करके आटा उठा लिया, अभी रोटियां लगाएगी इंशाल्लाह। एक बाजू वाली चूड़ियां खत्म। हाँ। अच्छा जो ईद आ रही है फिर पहनना इंशाल्लाह। एक हाथ की टूट गई है ना, ये सज्जे हाथ से ज्यादा काम होता है ना, मैं टूट जाती है। अच्छा खब्बे में रहती है आपको पता है, जब होटल गए थे तो उधर मैं पूरे 3 महीने हमारी चोरी ये साथ वाली टूटी भी नहीं, ईद पे मैं खुद भी तोड़ा है। ज्यादा काम होता है ना सज्जे हाथ का इसलिए टूट जाती है। हाँ भी कच्चियाँ, ये कच्ची चूड़ी आपको पता है जल्दी टूट जाती है। अभी मंगवाए थोड़े से फालसे जो रुखसाना के लिए बनाएंगे फालसे का जूस। हाँ। अभी वो रोटियां लगा लेगी फिर खुद बनाएगी ऐसे ना, तो आप बना लो, मुझे डर नहीं आता ना। मशीन बनाएगी आप तो नहीं बनाओगे? नहीं वो तो ठीक है लेकिन कट्ठे बनाएंगे, आप फारिग हो जाओ। अयूब खान आप भी ले आए हो फालसे, खट्टे खट्टे फाल से मीठे खट्टे फाल से मज़े के होते हैं ना, खट्टे मीठे होते हैं। ये भी मेवा बेहतरीन मेवा है। अल्लाह पाक ने कैसे देखने में बनाई है इंसान के लिए, फिर भी इंसान बेशुक्र होता है। हाँ बहुत सारी नेमतें बनाई हैं। इंसान के सोच में नहीं होती भी क्या चीज़, क्या चीज़ कि मौसम में आ गई है मेवा खाए। अभी आप हमारे गांव में देखें इतना इतना छोटे छोटे नहीं अभी बढ़ गए हैं, तो फिर इधर शहर में आप गए हैं क्योंकि सिंध वाले आम जो होते हैं ना वो आ गए हैं इधर। नहीं इधर भाई बाग जो होते हैं वो आ गए हैं। अच्छा बाहर से भी आते हैं पेटियां भर भर के, ज्यादा जल्दी आम सिंध का आता है। ये जो है ना अंधारियाँ वगैरह आती है ना, जैसे कल आपने कही जो कहीं अंधारी आई है तो सारा संभोग बना हुआ है, ये आम जब गिरते हैं ना इतना मोटे फिर वो पूड़ी लगा के फिर भेज देते हैं पेटियां भराई करके, फिर ये शहर में बिकते हैं। ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जूस वाले। हाँ जूस भी बनता है, जूस बनता है। कितनी प्यारी रोटी है तंदूरी रोटी माशाल्लाह, बहुत प्यारी है ना। हाँ जी अल्लाह पास खाना नसीब करे। ये भी एक अल्लाह पाक ने कैसा देख तंदूरी रोटी बनाने का तरीका दिया है इंसान को, जहन जहन दिया है अल्लाह पाक ने, जहन दिया कि ऐसे मिट्टी का बनाओ तंदूर। हाँ। फिर इसमें आग डालो फिर रोटियां बनाओ, कितनी ठंडी रोटी बनती है, कितनी प्यारी और मीठी रोटी बनती है, मीठी रोटी बनती है। ये इंसान जो है ना बहुत बड़ा ताकतवर है। हाँ। जब इसका जहन इतना है जो मशीनरी बनाता है अन्य बनाया है ना। हाँ, ये अल्लाह पाक ने उनको जहन दिया है, जो मशीनरी ये इंसान ही बनाता है। जी बिल्कुल। अल्लाह पाक की मदद होती है, वो जहन देता है इंसान को, इंसान जो है ना फिर हर मशीनरी बना लेता है। अच्छा पानी से नहीं लगती क्या? नहीं पानी से लगती है वो तंदूर को चिपक जाती है ना रोटी। हाँ ये तो है। हाँ। रुखसाना बन गई रोटी? हाँ जी बन गई माशाल्लाह माशाल्लाह, रोटियां बन गई हैं माशाल्लाह, तो दही मिली नहीं है अभी क्या करें, क्या करें, बना के रख देते हैं, खाने का कुछ होगा तो खाएंगे। मेरे ख्याल में वो लेट आता है ना, वो 10 बजे आता है, तो आप जल्दी से जाए। बाइक पे जाता हूँ, पहले तो पैदल गया था, तो देखूंगा अगर इधर नहीं मिलेगी तो आगे चला जाऊंगा उधर से ले आऊंगा। देख लो अभी रोटी तो बन गई है, बस खाने के इंतजार है, कोई चीज होगी तो फिर खाएंगे, ऐसे तो नहीं रुखी खाई जाती। चलो देखते हैं। हाँ।
देसी घी तो है नहीं, लेकिन डालडे के साथ रोटी को मख के रख देते हैं। इसकी वजह यह है कि रोटी सारा दिन नरम रहती है, तो इसीलिए रोटी सूखती नहीं है। देसी मक्खन पे मखते ना, मक्खन की और खुशबू होती है और इस घी की और खुशबू होती है। इसको क्या हुआ बुशरा को? समझ नहीं आई क्या कहा है। तो आप देखा नहीं है नीचे मुंगरी पड़ी थी पैर में, बाज गई। हाँ, ये देखो। अच्छा जाओ मुंगरी उठा के धो के ले आओ, फिर आपने दही नहीं खानी। नहीं। हाँ बस मुंगरियां तो ले आएंगी ना, इनको क्या पता ले आया कि नहीं ले आया। लेनी तो है अभी। मशीन ले आई हूँ। इसको धो लो, इसको धो लो। अच्छा फिर भी धोना है तो धो लो। पैर इसमें गया है ना? नहीं। वो धो रही है फिर। अच्छा दुआ सलाम नहीं करोगी आज? तो आप नीचे देख के ऐसे भाग जाती है बात। अभी मैं दही लेने जाऊंगा बुशरा। आप मुंगो धो लिया है? अभी मैं दही लेने जाऊंगा। नहीं पहले सुबह गया था ना, वो दुकान बंद थी। हाँ। फिर वापसी आ गया। अच्छा। अभी जो है ना वो आता है थोड़ा लेट। हाँ जी। तो इसलिए मैंने कहा दही ले आएंगे, रोटियां बन गई अभी पता करते हैं, आ गया है तो दही ले आता हूँ। हाँ आप दही के साथ खाओगी लस्सी के साथ? दही और लस्सी दोनों के साथ अच्छी लगती है रोटी। हाँ जी। सही है। हमने दही के। चलो इतना नहीं है जो पूरी देख लेके आना दही की, तो साथ दही भी खाएंगे, दही की। हाँ। वो बाल्टी होती है 20 किलो 30 किलो वाली, प्लास्टिक वाली, उसमें दही बनाते हैं। हाँ। डब्बे में पाती लाती है। ये तो घी है, दही नहीं है। चले मैं जाता हूँ दही लेने, दही लेके आता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। सही है ना? आप जब तक जूस यूस बनाना है, रोटियां मख के रख दो, जूस बना लो। कैसे? आटा आ गया है रुखसाना। अभी तुम सोए थे क्या? इतनी लेट कर दी, तंदूर की आग तो खत्म हो गई है, फिर जलाएंगे। सुबह सुबह आटा भिजवा दिया करो ना आप, आपको पता नहीं है जल्दी रोटी बन जाती है। अभी हम जाओ गूहे ले आओ, थापियां ले आओ, फिर तंदूर जलाएं। दो दो थापियां ले आओ, जाओ बाहर से। हेलो बेबो, दो दो थापियां ले आओ, तंदूर जलाएं, आग नहीं है उसमें, फिर रोटी बनाएंगे। बाहर जो थापी रखी है ना, दो दो थापियां ले आओ, जाओ जाओ। बेबो ने फाल से उठा के खा लिए, बुशरा ने फाल से उठा के खा लिए, कैसे लगे? खट्टे खट्टे। चलो थापिया नहीं लेने गए, तंदूर जलाना है आपके लिए, रोटी बनानी है तुम्हारी, तंदूर में आग खत्म हो गई, लेट कर दिया, जल्दी ले आया करो आटा। थापिया बच्चे ले आए हैं, अभी तंदूर जलाते हैं। अरे इधर सारी जो है ना कचरा हो जाएगा, साइड में रखो इधर आराम से। थापिया डालनी है, पूछते हैं वो आयशा वालों से जो बनाते हैं रोटी, तो फिर साथ में डाल देंगे। हाँ। उनका भी आटा काम होता है, इनका भी काम होता है। चलो तो पता करते हैं, सही है। नहीं डालेंगे तो फिर बाद में डालेंगे। रहाएंगे अपने गमले में, रहाना शीशे में डालो इसको। बिजली है रुखसाना, जल्दी करो फिर
बना लो जूस, जल्दी बना लो। थ्री सुच्चा भी आ चुका है, चलो इसको लगा देते हैं। और इधर जो है ना ये भी लगा देते हैं, फिर ये देखते हैं चलती है कि नहीं चलती। बाकी चलती है, बहुत तेज चलती है, हाथ न लगाओ ये खराब हो जाएगी। गिलास जो है धोया जा रहा है। कैसे काली होएगी उसको ऐसे ऐसे हाथ धो, फिर भी घूमेंगे रुके नहीं। हाँ हाँ सफेद होती है। चलो एक साइड पे हो जाओ, जूस बनाने दो। ले आओ गिलास, ले आओ गिलास। खटड़ी रखी जा रही है, अभी रुखसाना बैठेगी बनाएगी फालते का जूस। नमक ले आओ, नमक भी ले आओ, इधर भी नमक, नमक थोड़ा सा डाला था लेकिन आप देख लेना। अच्छा और डालना होता है, साहब पीछे हो जाओ, बिजली वाला काम है ये, बताओ गंदा काम होता है, बिजली जो है ना लग ना जाए। हम पीछे कर रहे हैं। हाँ जग रख दिया है, अभी इसमें डालेगी फालसे। हाँ जी, वो पानी गिलास, पानी का गिलास भर दो कूलर से। इक्का बना लो, इक्का बना लो, इक्का गाड़ी सही है ना। फालसे डाल दिया है और जाएगा पानी। उनको पानी दो, एक और दो। सब हैरान हो रहे हैं भाई क्या हो रहा है, इधर मशीन लगाई हुई है और ये जूस निकाला जा रहा है। पता है फालसे का जूस है। हाँ आपको पता है, लगाया है ढकना दे के फिर मशीन चलाएंगे। नहीं आपको बिजली लग, खड़े 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 चलो आप बना लो, मैं दही ले आऊं। हाँ नहीं आप पी के बाद में। अच्छा सही है, ठीक है। दही जो है मैं ले आया हूँ, गर्मी हो गई है, पसीने पसीने हो गए हैं, बाइक पे गए थे। और इधर जो है दोबारा रोटियां लगा रही है रुखसाना, और सिस्टर जो है रोटियां लगा के जा रही है घर की तरफ वापसी जी। तो आपने दोबारा तंदूर में आग जलाई थी? नहीं, वो सिस्टर ने जलाया था, तो मैंने कहा जो था पे और हमारी भी डाल दे क्योंकि हम भी रोटी बनानी है। सही है, तो उन्होंने डाल दिया है, तो फिर वो लगा दिया, अभी हमारी बारी है हम बना। आज तो तंदूर भी जा रहा है, देखो सिकली लह रही है। हाँ तंदूर आज ज़्यादा फूटा आया है, वो जो है ना रेती भी आ रही है बड़ी। पतला तंदूर था क्या? पतले तो होते हैं, देखो थोड़ी सी उसकी करनी है बस, पीछे से वो मट्टी भी नजर आती है। हाँ ऐसे होता, मोटे होते हैं ना वो जो है ना जलते नहीं। दही जो है ले आया हूँ, कहाँ रखी है, बनाई है? रोटी पे खड़ा दिया। नहीं वो अभी तो आई है, मैं रोटी लगाने लगी हूँ। अच्छा मैंने कहा शायद बना लिया। नहीं रोटी बना लूँगी फिर लगाऊंगी, वो बनाऊंगी। सही है, रोटी भी गिर गई। चलो मैं कूलर पंखे पे पानी डाला हुआ है वो देख लूँ। हाँ देख लो, बाहर ना आ जाए फिर। माशाल्लाह रोटियाँ डबल बन रही है ना। हाँ जी, गरम ज़्यादा हो जाए फिर डबल हो जाती है। हाँ डबल हो जाती है, देखो वो भी डबल हो गई है, नीचे गिर जाती है। डबल रोटियाँ बना रही है आज, डबल रोटियाँ बना रही है। सही, ये खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, देखो फुकीच जाती है रोटी। पिछला सेक है ना। हाँ मट्ठा मट्ठा लगता है, वो फुकीती रहती है। हाँ अच्छी रोटी बनती है। सही है, वो और भी गिर गई है, वो भी फुकीच है जी, वो देखो फुकीच रही है। ये अंगारों पे जब आती है फुकीच जाती है। वो अच्छी बन जाती है, देखे क्या कम कितना खूबसूरत है, प्यारी बन गई है ये देखे। हाँ ये तो है, जैसे होटल में बनाते हैं ना तंदूरी रोटी, वो भी ऐसे बनती है। हाँ मैं पीता हूँ। अपने अबू को दो। आपने नहीं पीना? मैं पीऊंगी।
अच्छा पहले आप पी ले थी। ऐसे इनको पता चला नहीं जाना पानी पीती हो, उसको जो प्यास लगी वो कहती है सबको प्यास लगी है। हाँ नहीं वो अम्मी जान आपकी खिदमत कर रही है वो, ऐसे ना। हाँ जी, क्योंकि आप आग पे खड़ी हो ना, रोटियां लगा रहे हो, आपको खुश्की हो रही थी, इसने देखा तो पानी का गिलास भर के आई, कहती है पानी पीती हो, मुझे भी ऐसे दे देती है पानी, पूछती है अबू जान पानी पीते हो, प्यार से कैसे बोलती है अम्मी जान अबू जान। चलें जी, रोटी तो है बांट चुकी है, फिर जो बनाते हैं हम वो लस्सी, ऐसे ना जी लस्सी बनाते हैं। चलें लस्सी झेलने के साथ मशीन के साथ नहीं, इसके साथ बनाते हैं। सही बनती है मशीन के साथ, दूध जूस बनाते हैं, दूध भी बनाते हैं, वो खट्टी मीठी चीज अच्छी नहीं बनती। अच्छा सही है, वो हवा आ गई है, फिर गिलास खराब हो जाता है। जो दूसरे होते हैं ना वो स्टील वाले, तो उसको अच्छे तरीके से धो के फिर झेलना हो। ओ हसन जानी आ गए, ये क्या कर दिया हसन जानी आपने, ये बड़े कपड़े पहने, बड़े बड़े कपड़े जेब पे लगे। ये बेबो वाले हैं क्या, ये क्यों ऐसे हाथ लगे हैं, ये क्या पैसे पैसे डाले हैं, क्या लेने जा रहे हो, निकालो हाथ, पैसे भी साथ। बस आज एक घीसा ना बचे पहली दफा डिटेल ना जाए। बेबो को छोटे थे, फिर मैंने इसको पहना, ये कहता फिर पैसे दो, फिर मैंने पैसे दिया, अब घंटा हो गया जेब में हाथ नीचे गिर रहे हैं। ओ पैसे गए, इसे भी चुड़ाए गए। चलो जी बस, मुझे तो हसन पैसे, हसन नाना बोले पैसे तो दियो, पैसे देते हो नानी अब, पैसे देते हो दे दो, वो निकलते नहीं है। सुमैया इसमें पानी थोड़ा सा ले आओ, फंस गए हैं। दे दो, वाह जी वाह, दरिया है। ओ, ओ, देखे, देखे। क्या लेना है, बिस्कुट, बिस्कुट ले आए, ये लो पाओ जेब। अगले कपड़े रख दी जेब आवन बस सही है, ये वाला पूरा कपड़ा काटन वाला, ये पहनते ही नहीं था, फिर मैंने आज इसको पहना दिया, इसके कपड़े नहीं, शाम तक ये खत्म हो जाएगा, चीख चीख के इसको फाड़ देगा। अभी नहीं उठा अहमद, नहीं उठा क्या, माशाल्लाह लस्सी तैयार हो गई है, प्याज तैयार हो चुके हैं और सबको जो है रोटी देना स्टार्ट कर दिया रुखसाना ने। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सबको दे दिया माशाल्लाह, सब खा, बैठ जाओ बेबो, लस्सी मिल जाती है, रोटी मिल जाती है, सालन भी आया आलू वाला रात वाला, वो भी खा लो, लस्सी भी दे दिया, लस्सी पी रहा है क्या, खट्टी मिट्टी, खट्टी नहीं है इतना, मिट्टी लगती है, वो अच्छी लगती है ना, चारे नमक दलाया इसलिए। ओए कैसी लगी, राज क्यों, मन्ना खाओ अभी, मन्ना खाओ, रोटी खाओ, बैठो इधर, रोटी खाओ इधर, बैठो बैठो खुश।